publish PARC, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. I Light Industry, AAC Blogs. Construct your dream home with quality products. तालुका के खेड़ा के गांव में घटी एक अनोखी और दर्दनाक घटना, जहां एक बैल ने अपने ही मालिक को घसीटता हुआ खेत से 2 किलोमीटर गांव की ओर ले आया। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसो कल्याण तालुका खेड़ा के ग्राम में 20 दिसंबर 2023 की दोपहर 12 बजे घटी एक दर्दनाक और अनोखी घटना, जहां एक बैल ने अपने ही मालिक को खेत से 2 किलोमीटर सीटता हुआ गांव की ओर ले आया। किसान की हालत गंभीर, उसे सिटी के पाटिल हॉस्पिटल में फर्स्ट एड कर सोलापुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि किसान माधव मस्के 58 साल अपने घर से 2 बैलों को लेकर खेत की ओर गया था। पता नहीं खेत में ऐसा क्या हुआ कि किसान के हाथ से एक बैल छूट कर भाग गया। दूसरे बैल की रस्सी किसान के हाथ को लपेटते गाठी बन गई और बैल किसान माधव को घसीटता हुआ गांव की ओर ले आया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे ही बैल किसान को घसीटता हुआ गांव में दाखिल हुआ, जिसे देख गाँव वालों में डर का माहौल बन गया। गाँव वालों ने तुरंत किसान को बैल के रस्सी से छुड़ाकर किसान माधव मस्के को बसो कल्याण सिटी के पाटिल हॉस्पिटल ले आए। वहां किसान का फर्स्ट एड कर महाराष्ट्र के सोलापुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दर्दनाक और केआर के गिरी सिल्क एंड सारी ठाकुर ट्रेडर्स डीलर्स इन स्टील सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल प्रशांत मोबाइल्स ऑल आईफोन्स अवेलेबल। इस दर्दनाक और अनोखी घटना के बारे में किसी को नहीं पता के ऐसा क्या हुआ खेत में माधव मस्के का बैल अपने ही मालिक को इस तरह से घसीटता हुआ गांव की ओर ले आया। ये एक रहस्य बन गया है गांव वालों के लिए।